जय हिंद सभी को। आइए आज का टॉपिक शुरू करेंगे, मिश्रण यानी कि मिक्सचर्स और एलिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी वन डे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं और कई सारे एग्जाम्स होते हैं, आईएएस के भी एग्जाम में आप देखते होंगे कि मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन ज़रूर से आता है। बहुत ही बेसिक टॉपिक है। मैंने प्रयास किया है कि सवालों को दोनों भाषाओं में रखें, अंग्रेज़ी हिंदी, ताकि आप जिस भाषा से भी हैं आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं मिक्सचर और एलिगेशन। राइट, बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक टॉपिक है। पहले ही इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे और उसके बाद इसकी जो टेक्निक है, राइट, जिससे कि क्वेश्चन को हम जल्दी कर सकते हैं उसको सीखेंगे, और फिर कुछ एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आ रखे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू किया जाए। तो मैंने पहले कहा कि सबसे पहले हम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। आइए ज़रा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी जाए कि आखिर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, थ्री बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने लिखा, यानी कि तीन वो बिल्कुल मूल बातें जिसके बिना इस टॉपिक को समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपने पीछे अपने स्कूल टाइम पे पढ़ी होंगी। देखिए मैं यहाँ पे उसको एक बार दोहराता हूँ, उसको ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखो, मिक्सचर एलिगेशन के तुम्हें किसी भी एग्ज़ाम में सिर्फ तीन टाइप के सवाल मिलेंगे, सिर्फ तीन टाइप के। ठीक है, एक होगा अनुपात के हिसाब से यानी कि रेशियो के हिसाब से, एक होगा परसेंटेज के हिसाब से यानी कि प्रतिशत के हिसाब से, और तीसरा जो होगा वो होगा प्राइस यानी कि कीमत के हिसाब से। इस तीन के अलावा आपको कोई चौथा टाइप नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, आप कह सकते हो कि रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट भी वो इन्हीं में से एक टाइप होता है। ठीक है, तो चलो देखो इन तीनों को पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे, जो हमें स्कूल में सीखा हुआ होना चाहिए और जो हमें आना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग थोड़ा पीछे की बातें भूल चुके हैं, इसीलिए इस बेसिक बात को मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सपोज कीजिए आपके पास दो प्रकार का चावल है। ठीक है, राइस, राइस वन और राइस टू। ठीक है, और राइस वन जो है ये थोड़ा महंगा है, मान लीजिए ये 160 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, ये है आपका 160 रुपये प्रति किलोग्राम। और राइस टू जो है ये थोड़ा सस्ता वाला है, मान लीजिए ये 90 रुपये, मान लें, चलो 90 रुपये मान लेते हैं, 90 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है भाई, राइस वन हम मानते हैं कि हमारे पास 6 किलो है और राइस टू हमारे पास 4 किलो है। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए कि बताओ अगर हम राइस वन और राइस टू दोनों का मिश्रण बनाएंगे तो जो मिश्रण आएगा उसकी प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी। बड़ा आसानी से इस तरह के सवाल हमने स्कूल लेवल पे कर रखे। मैंने आपको बोला पहले तीन बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट टेक्निक सीखेंगे। ठीक है, 16×96 यानी कि 960 रुपए का ये हुआ और 360 रुपए का ये हुआ, कुल मिलाकर के 10 किलो है तो प्रति किलोग्राम कीमत कितनी आ गई भाई, ये हो गया 0, 12, 12 और 1, 13, 132 रुपए आ रही है। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है, बोलो। यस सर, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये मतलब मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया सर, तो आप स्टार्टिंग से थोड़ा कुछ निकल गया। स्टार्टिंग बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग ही चल रहा है, यही स्टार्टिंग है। ठीक है, ओके। तो ये हमने इस कैलकुलेशन को देखा कि 132 रुपए प्रति किलोग्राम किस हिसाब से होता है। ठीक है, ये बिल्कुल वो चीजें हैं जो आपने पहले छोटे क्लास में पढ़ रखी है, कुछ इसमें नई बात मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। पहले पुरानी बात अगर हमें आती है वो याद हो जाती है, उसके बाद ही तो नई चीज सीखने का मतलब है। देखो ध्यान रखो, इट इज ऑलवेज लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स, है ना। अगर आप रैंडमली मूव करने का प्रयास करें कि नहीं यहाँ से उठ करके हम सीधा वहाँ चले जाएं, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं होता है। ठीक है, हाँ, जिन लोगों ने स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रखी है उनको ये स्टार्टिंग के 10 मिनट थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो याद रखने की जरूरत है ताकि हम आगे वाली चीज को बेहतर तरीके से समझ के करें। ठीक है, अच्छा, सपोज करो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये किस पे आधारित था, ये आपके कीमत पे आधारित था, प्राइस पे आधारित था। मैंने आपसे कहा तीन प्रकार के सवाल होते हैं, कीमत पे, रेशियो पे और परसेंटेज पे। एक आइए रेशियो का सवाल ले लीजिए या फिर चलिए परसेंटेज का सवाल ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट का यानी कि नमक का मिश्रण है। ठीक है, मान लीजिए इसको सॉल्यूशन नंबर वन बोल दीजिए और एक आप दूसरा ले लीजिए, ये आपके पास सॉल्यूशन नंबर टू बोल लीजिए। ठीक है, इसमें आपको पता है कि इसमें 60% नमक है और दूसरे में 90% नमक है, चलेगा। ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए है 15 लीटर, ठीक है, और ये है आपके पास 10 लीटर। अब अगर आपसे बोला जाए कि ये 15 लीटर और 10 लीटर
इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो 25 लीटर का मिश्रण बनेगा उसमें कितना प्रतिशत नमक होगा, इसमें हमारे पास कितना प्रतिशत नमक होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को कैसे करते थे ये भी मैं आपको याद दिलाता हूँ। इसमें हम लोग क्या किया करते थे, देखते भाई 15 लीटर में 60 प्रतिशत है ना, तो 60 प्रतिशत 15 लीटर का कितना हो जाएगा, इसका हम लोग निकाला करते थे भाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 प्रतिशत 15 लीटर का, 15 चक्का 90, यानी कि 9 लीटर हमारे पास नमक यहाँ सॉल्ट वन में है। ठीक इसी प्रकार से 90 प्रतिशत 10 का निकालेगा तो कितना निकलेगा, फिर से 9 लीटर निकलेगा, यानी टोटल जो 25 लीटर है उसमें हमारे पास 18 लीटर तो नमक है, तो कितना प्रतिशत हो गया, 18/25 × 100, अगर आप देखें तो 18 × 72, यानी कि आपके पास 72% सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, किसमें, जो फाइनल मिक्सचर आया उसमें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये दूसरा वाला भी आपको बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये कैलकुलेशन चलो मैं रहने देता हूं, मिटाता नहीं हूं पिछले कैलकुलेशन, हालांकि मैंने इरेज कर दिया था, कोई बात नहीं इस बार इसको रहने देते, कोई बात नहीं। ठीक है, एक तीसरा सवाल समझो, तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल ये दूसरा आपका किस पे आधारित था, दूसरा आपका प्रतिशत पे था, पहला किस पे था, प्राइस पे था, मैंने क्या बोला तीसरा अनुपात पे। अनुपात पे भी एक सवाल ले लो, मान लो जैसे तुम्हारे पास मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, दो तरह का मिश्रण है मिल्क और वाटर का, एक में मान लीजिए आपके पास 2/3 का अनुपात है, चलेगा, और दूसरे में मान लीजिए आपके पास 1/4 का अनुपात है। ठीक है, एक जो है 2:3 का रेशियो है और दूसरा आपके पास 1:4 का रेशियो है। नाउ आपको ये पता है कि पहला जो आपका मिश्रण है, पहला जो मिक्सर है उसका टोटल वॉल्यूम 15 लीटर है और जो दूसरा मिक्सर है इसकी वॉल्यूम हमारे पास 25 लीटर है। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास 15 लीटर और 25 लीटर टोटल कितने हो गए, 40 लीटर हो गए। अब हमें देखना है कि इस 40 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये हमें बात को देखना है। चलो आओ देखते हैं, समझते हैं इसको। तो देखो जैसे यहाँ तुम्हारे पास ये 15 लीटर है, ये 25 लीटर है और हमें देखना है कि क्या अनुपात है, तो आइए चलिए जरा इसको देखा जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 2:3 बेसिक तरीके से भी कर रहे हैं, अभी तो हम कोई टेक्निक सीखे नहीं है, है ना, हम तो पहले बेसिक रिवाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया 2x और 3x 5x 5x बराबर 15 है ना, 5x बराबर 15, तो x बराबर कितना, 3 है ना, 3 हो गया, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 9, यानी कि इस 15 लीटर में से 6 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है। ये बात आसानी से आप भी जान देखते हैं जानना। y प्लस 4y, इसको मैं बोलूँगा 5y, तो y बराबर आ गया 5, यानी कि 5 लीटर हमारे पास यहाँ पे दूध है और 20 लीटर यहाँ पे पानी है। तो सारी बातें साफ साफ निकल के आ गई, कितना 5 और 6 11 लीटर हमारे पास दूध है। ठीक है, और हमारे पास 20 और 9 29 लीटर हमारे पास पानी है। ठीक है, तो हमारे पास जो अनुपात निकल के आया वो कितना आ गया, रेशियो कितना निकल के आया आपके पास, 11:29। ठीक है, जितने लोगों को ये बेसिक बातें समझ में आई हैं जरा चैट बॉक्स में यस लिख के बताएंगे, जल्दी से यस लिख के बताइए, यस लिख के बताइए जरा चैट बॉक्स में जल्दी से। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन, ताकि हम टेक्निक के लिए जगह बनाएं। ठीक है, ये कैलकुलेशन, ये बेसिक बातें हैं बच्चों और ये सभी को आनी चाहिए। ठीक है, बताने का सिर्फ एक मकसद था कि तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि आखिर ये होता कैसे है। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई ये हमने ये तो सर ने बताया नहीं, नहीं भाई, तो ये आपको स्कूल में ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ इसलिए रिवाइज कराया कि आप इन बातों को ध्यान रख सकें, है ना, इसके बेसिस पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अब आओ ज़रा देखते हैं एलिगेशन क्या है, राइट, अब ज़रा देखते हैं कि आखिर ये एलिगेशन क्या है, एलिगेशन में कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है, सीखनी है, राइट, और किस तरह के कॉन्सेप्ट से सवाल को करना आसान हो जाता है, आइए इस बात को हम यहाँ पे देखेंगे। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जैसे कि देखो एलिगेशन में क्या होता है बेटा, आपके पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, एलिगेशन एक बहुत प्यारी टेक्निक है जिससे कि हम लोग मिक्सचर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी सॉल्व करने में कामयाब होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम टेक्निक सीखते हैं तो हमें टेक्निक सीखते हुए उसकी बारीकियों को ठीक से समझना होता है, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए
आपके पास एलिगेशन में दो तरह की चीजें, ठीक है, एक को हम बोल देते हैं डियरर और एक को बोल देते हैं चीपर, ठीक है। अंग्रेजी में एक को क्या बोल देते हैं, डियरर, और एक को बोल देते हैं चीपर, ठीक है। तो डियरर का मतलब क्या होता है, महंगा, और चीपर का मतलब क्या होता है, सस्ता, ठीक है। तो जब कभी भी हम डियरर और चीपर को मिक्स करेंगे, डियरर और चीपर को मिक्स करेंगे, तो हमारे पास एक मिश्रण आएगा जो कि चीपर से बेहतर होगा और डियरर से हल्का होगा, ठीक है। सी एम डी ये किस बात को दिखा रहा है, क्वालिटी को दिखा रहा है, क्वालिटी उसकी गुणवत्ता को दिखा रहा है, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी के बारे में भी अगर हम बात करें, तो मान लीजिए जो डियरर है इसकी क्वांटिटी एक्स यूनिट है और जो चीपर है इसकी क्वांटिटी वाई यूनिट है। ये एक्स और वाई क्या दिखा रहे हैं बच्चों, ये क्वांटिटी को बता रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी यानी किस मात्रा में है, क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता कितनी है, ठीक है। जैसे क्वालिटी पीछे जो हमने उदाहरण लिया वो कैसे पता लग रही थी, या तो कीमत से, या तो प्रतिशत से, या फिर अनुपात से, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से देखा कि क्वालिटी तीन तरीके से हमें दे सकते हैं वो, या तो कीमत में, या तो अनुपात में, या फिर प्रतिशत में। और क्वांटिटी तो खैर डिपेंड करता है, अगर कोई लिक्विड होगा तो लीटर, और कोई सॉलिड होगा तो केजी, इस प्रकार से आपको दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एलिगेशन क्या कहता है, एलिगेशन सबसे पहली बात तो ये कहता है कि जो इसकी गुणवत्ता होगी यानी कि जो क्वालिटी होगी मिक्सचर की, वो हमेशा चीपर से बेहतर होगी और डियरर से खराब होगी, ये तो हमें वैसे ही पता है, ओके, वेरी गुड। और क्या बोलता है ये, और ये बोलता है कि जो इसकी क्वालिटी का पॉजिटिव डिफरेंस है, जो इसकी क्वालिटी का पॉजिटिव डिफरेंस है यानी कि डी एम से बड़ा है, तो पॉजिटिव डिफरेंस कितना होगा, डी माइनस एम, ठीक है। एम सी से बड़ा है तो इसका पॉजिटिव डिफरेंस कितना होगा, एम माइनस सी, ठीक है। ये जो इसका पॉजिटिव डिफरेंस है ये इसके मात्राओं के इनवर्स प्रोपोर्शन में रहता है, यानी ठीक विपरीत अनुपात में रहता है। यानी कि अगर मैं m माइनस सी बटे d माइनस m करूंगा तो ये वाली चीज किसके, m माइनस सी किसके प्रोपोर्शनल होगा, x के प्रोपोर्शनल होगा, और d माइनस m किसके प्रोपोर्शनल होगा, y के प्रोपोर्शनल होगा। यही जो छोटी सी चीज है ना बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, एलिगेशन कहा जाता है, इसी को एलिगेशन कहा जाता है, ठीक है। आओ, मुझे मालूम है तुम में से कुछ लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि उन्होंने इसको पहले देखा होगा, और आप में से कुछ लोगों को अभी थोड़ी कठिनाई आई होगी, तो आइए उसके लिए उन्हीं तीन उदाहरण पे वापस चलते हैं और वहां चल के इस एलिगेशन को जरा अप्लाई करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, इस बात को आपके क्लास नोट्स में आपको मिल जाएगा, है ना, तो आप परेशान ना हो, अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, क्लास नोट्स आपको मैं हमेशा क्लास के बाद भेज ही देता हूँ, तो ये सब आपको मिल जाएगा। देखिए, इन्हीं तीन क्वेश्चंस पे हम दोबारा से लौट के आ रहे हैं, यही तीन सवाल। अब जरा हम इसको एलिगेशन से करने का प्रयास करेंगे कि आखिर एलिगेशन से ये सवाल कैसे हो सकते हैं। देखिए, एलिगेशन क्या कहता है, एलिगेशन ये कहता है कि जो क्वालिटी है, पहले टाइप पे आते हैं, पहले टाइप पे 90 था, 132 था, 160 था और 132 था, पॉजिटिव डिफरेंस, 160 में से 32 गया, कितना हुआ बच्चों, 28 हुआ क्या, 28 हुआ, ठीक है, 28 का डिफरेंस आया क्वालिटी में, ठीक है। 90 और 132 यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 32, और ये मेरे ख्याल से 42, 42, ठीक है। तो एज पर दी कॉन्सेप्ट जो हमने अभी अभी सीखा है, क्या सीखा हमने, कि इसका जो पॉजिटिव डिफरेंस है, इसका अनुपात कैसे होता है, इसका अनुपात हमारे पास क्वांटिटी के इनवर्स रेशियो में होता है। यानी मैं अगर 42 बटे 28 कह रहा हूँ तो 42 किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, 6 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और 28 किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, 4 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जरा करके देखो, ये तो आ गया मेरे पास 6/4 यानी कि 3/2, है ना। यहाँ भी करके देखो जरा, 14 * 3 = 42 होता है और 14 * 2 = 28 होता है कि नहीं, हाँ, 3/2 / 3/2 यानी कि ये तो हो रहा है, ठीक है, यहाँ तो काम चल रहा है, हमने वेरीफाई किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आओ जरा दूसरे वाले में भी अप्लाई करके देखते हैं, है ना। अभी कुछ और बातें हैं जो भी हमें सीखनी है, लेकिन आओ पहले जरा अप्लाई करके देख रहे हैं चल क्या रहा है। 90 में से 72 गया, कितना हो गया, 18 हो गया क्या, 18 हो गया। 72 में से आपका 60 गया तो कितना हो गया, 12 हो गया। हमने क्या देखा कि ये इस अनुपात में होगा, यानी अगर मैं 12/18 बोल रहा हूँ तो ये किस अनुपात में होगा, 12 किसके बराबर होगा, 10 के प्रोपोर्शनल होगा, और 18 किसके होगा,
15 के होगा। तो साफ साफ दिखता है 6 × 12 6 × 18 5 × 10 5 × 15 यानी कि 2/3 यहाँ पे भी ये चीज आसानी से वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में अब आना शुरू हुआ होगा कि अच्छा एलिगेशन ऐसा है। आप में से कुछ लोगों को अब ये लगना चाहिए कि सर ये चीज तो हमने कैलकुलेट की थी, है ना, ये वाली चीज तो हमने कैलकुलेट की थी। जब हमने ये वाली चीज कैलकुलेट की थी तो इस बार आपने इसको पहले से ही ले रखा है ना, ये चीज आपके माइंड में जरूर से आनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, एलिगेशन जो बेसिक तरीका है और ये वाला जो मेथड है एलिगेशन का, ठीक है, इसमें तुम ध्यान रखना कि जब तुम्हें मिडिल वैल्यू दे रखी है ऐसे तुम एलिगेशन अप्लाई करोगे आंसर निकलेगा। लेकिन हम हमेशा हर चीज को इस हिसाब से सीखते हैं कि हम अपनी स्पीड डेवलप कर सकें। तो किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड हमें बेहतर और जल्दी आंसर देगा, हम उसकी बात करेंगे। बेहतर तो नहीं, जल्दी आंसर देगा, सटीक आंसर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब कभी भी तुम्हें मिडिल वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या मतलब है, अभी सवाल करेंगे तुम्हें और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, थियोरी से थोड़ी चीजें कम समझ में आती हैं लेकिन जब सवाल करते हैं तो बेहतर समझ में आना शुरू हो जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा भी। ठीक है, तो जब कभी भी मिडिल वैल्यू दे रखी होगी, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, अगर दे रखी है तो आप एलिगेशन का प्रयोग बिना सोचे समझे करें, बिना सोचे समझे एलिगेशन का प्रयोग करें। और अगर आपको मिडिल वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है ना, ये वैल्यू तुम्हें नहीं दे रखी, बाकी कुछ और दे रखा है लेकिन मिडिल वैल्यू तुम्हें निकालना है, तो मेरा ये सजेशन है कि तो उस समय तुम थोड़ा देखो ये सब बातें कैसे समझ में आती है। जब तुम ज्यादा सवाल करते हो तुम्हें पता लगता है कि अच्छा इसमें ये टेक्निक लगेगी, इसमें ये टेक्निक लगेगी। टीचर आपको सिखा तो सब कुछ देते हैं, बता भी देते हैं कब कैसे यूज करना है, लेकिन एग्जाम में आप इतने काबिल तभी बन पाते हैं जब आप उसको खूब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना मिडिल वैल्यू जब दे रखी होगी तो एलिगेशन का प्रयोग करना खुल के, और अगर नहीं दे रखी है तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि किससे तुम्हें फास्ट आंसर आएगा। ये कैसे चेक करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, हम एक्चुअल क्वेश्चंस ही डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात और जो मुझे क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले आपके साथ जरूर से करनी है वो ये कि जैसे जब अनुपात है, राइट, जब अनुपात है तो इस केस में पता है क्या होता है, एलिगेशन जो है ना एक बार में एक ही चीज पे लगता है। अब तुम यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगा पाओगे, 2/3 1/4 11/29 नहीं लगा पाओगे। फिर क्या करना पड़ेगा इसमें एलिगेशन लगाने के लिए, इसमें हमें किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा, या तो पानी या दूध, किसी एक चीज को चुन लो। एलिगेशन एक बार में एक चीज पे ही लगता है। ठीक है, यहाँ पे अगर राइस था तो दोनों तरफ राइस था, यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन था तो यहाँ भी सॉल्ट सॉल्यूशन था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे 60% सॉल्ट है और यहाँ 90% पानी है। हाँ ठीक है, अगर 90% पानी है तो फिर हम मान सकते हैं कि यहाँ 10% सॉल्ट होगा। ठीक है, तो समझना यह है कि एलिगेशन एक बार में एक चीज पे ही लगता है, दोनों जगह पे वही चीज होनी चाहिए, और तीसरी जगह पे भी जो आएगा रिजल्टेंट वो भी उसी मात्रा को ही रिप्रेजेंट करेगा, उसी क्वालिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा, उसी चीज की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर दे रखा है, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी एक चीज में लेना पड़ेगा। जैसे अगर ये 2:3 है तो मैं अगर मिल्क की बात कर लूं, मान लो तो मिल्क कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा क्या, 5 हिस्सों में से 2 हिस्सा मिल्क है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितना मैंने लिया था, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ थोड़ा इरेज कर दिया, कितना लिया था मुझे याद भी नहीं है कितना लिया था। यहाँ पे टोटल देखो किसी ने लिखा था, बताओ, 15 और 25 सर, 15 और 25। ठीक है, धन्यवाद। तो 15 और 25 लीटर हमने लिया था, मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही बताया होगा। ओके गुड, तो ये हमारे पास दूध कितना आ गया, 2/5 आ गया। यहाँ पे दूध कितना आ गया, 1/5 हो गया। ठीक है, 1/5 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 11/29 है, तो मैं अगर दूध की बात करूँ तो क्या 11/40 बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ ना, बोल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा हम लोग एलिगेशन को वेरीफाई कर रहे हैं कि आखिर रेशियो में कैसे लगाना है। तो हमने ये सबसे पहली चीज ये आपको बताई कि एलिगेशन रेशियो में जब भी लगेगा तो ध्यान रखिएगा वो एक चीज में एक ही बार में लगता है। मिल्क और वाटर को इकट्ठे हम लोग नहीं ले सकते, वी कैन नॉट कंसिडर देम साइमल्टेनियसली, दे हैव टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली। एक एक करके उनकी बात हमें करनी पड़ेगी तभी बात बनती है। ठीक है, यानी कि यहाँ ये 2/5 है, यहाँ 11/40 है। अब तुम्हें देखना है कि इसका अंतर कितना, ये तो देखते थे है ना। देखो 2/5 है, हम सिर्फ अभी वेरीफाई कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा मेथड लंबा है कौन सा मेथड छोटा है, अभी इसकी बात करेंगे, सवालों पे करेंगे, परेशान मत हो, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसका लसअप लूँ तो हो गया 40, और यहाँ कितना आ गया भाई, ये 8 × 8 = 16 और यहाँ पे 11, यानी कि ये आपका आ रहा है 5/40। 5/40 को मैं 1/8 लिखना चाहता हूँ, चलेगा ना, इसको मैं क्या लिखना चाहता हूँ, 1/8 लिखना चाहता हूँ। यहाँ जरा अंतर देखता हूँ भाई, तो 2/5 क्योंकि बड़ा था, 2/5 में से मैंने ये घटाया, अब ऑब्वियस सी बात है 11/40 बड़ा होगा, इतना तो हमने एलिगेशन में सीख ही लिया है, किससे, 1/5 से।
तो आप यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 40 हो गया, यहाँ आपके पास 11 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, ये आपके पास आ गया 3/40, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3/40। अभी अभी हमने क्या देखा कि इसका जो अनुपात है, मान लो मैंने बोला 1/8/3/40, ठीक है, तो 1/8 किसके प्रोपोर्शनल होगा, किस अनुपात में होगा, ये 25 के बराबर की तरफ लेके जाएंगे, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन। और इस तरफ क्या बोलेंगे, इधर हम बोलेंगे ये 15 के प्रोपोर्शनल। तो इधर जो दाएं तरफ जो अनुपात है, इसको देखने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये 5/3 दिखता है, साफ साफ दिखता है ना, 5/3 साफ साफ दिखता है। हाँ, ये वाली जो चीज है इसको जरा देख लेते हैं ना, टेंशन क्या है, आओ जरा देखते हैं। तो तुम्हें पता होगा कि 1/8, तो चलो 1/8 इस प्रकार से लिखेंगे, 3/40 में 40 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना भाई, राइट, और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा। तो अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो क्या ये भी 5/3 हो गया क्या, हाँ हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने किन बातों को सीखा, जरा एक बार दोहराता हूँ, फिर सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हमने सबसे पहले ये सीखा कि एलिगेशन मिक्सचर में हमारे पास जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसमें हमने ये देखा कि एलिगेशन मिक्सचर में ये सी और डी क्या चीज़ बताते हैं, गुणवत्ता को बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं। एक्स और वाई क्या बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है। अगर मिडिल वैल्यू की क्वालिटी, ये क्या बताएगी, एम क्या है, क्वालिटी, तो इनकी क्वालिटी का जो पॉजिटिव डिफरेंस है, ये अंतर जो है पॉजिटिव अंतर है, तो डी क्योंकि एम से बड़ा है, डी एरर मैंने बताया जो बेहतर है, तो बेहतर होगा भाई, तो डी माइनस एम, डी बेहतर है तो डी, डी और एम पॉजिटिव डिफरेंस डी माइनस एम होगा, और एम ये चीपर से तो हमेशा बेहतर ही होता है, तो एम माइनस सी इसका पॉजिटिव डिफरेंस है। इस पॉजिटिव डिफरेंस का जो हमारे पास अनुपात है वो उसकी क्वांटिटी यानी कि उसकी मात्रा के इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। एम माइनस सी किसके प्रोपोर्शनल लिया हमने, एक्स के, डी माइनस एम किसके प्रोपोर्शनल लिया हमने, वाई के, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हमने यहाँ पे एलिगेशन में सीखी, ठीक है। एलिगेशन में और क्या हमने बातें सीखी, एलिगेशन में हमने और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये हमने आपको बताया कि एलिगेशन एक बार में एक ही चीज पे अप्लाई होता है, ठीक है, इट अप्लाइज ओनली टू वन क्वांटिटी, ठीक है, ओनली टू वन क्वालिटी बोल दो, क्वांटिटी बोलना है ना, वन आइडेंटिटी है ना, एक ही चीज पे अप्लाई होता है, एक ही चीज पे, दूध है, पानी है, कोई एक चीज पे अप्लाई कीजिएगा। अभी आपको देखेंगे बहुत सारे अच्छे सवाल आते हैं धातु पे, एलॉयज पे, तो आप देखेंगे उसमें अलग अलग है, एक एलॉय है उसमें कॉपर भी है, जिंक भी है, और एल्युमिनियम भी है, यहाँ पे इतना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत है, तो बताओ क्या है। तो ध्यान रखना वहाँ पे एक ही चीज को कंसिडर करेंगे। एक और चीज मैंने क्या बताई कि एलिगेशन में अगर मिडिल वैल्यू दे रखी है तब एलिगेशन अप्लाई करना, नहीं तो सोचेंगे कि बेसिक तरीके से करें कि एलिगेशन से करें, ठीक है। आओ, इतनी बेसिक जानकारियों के बाद अब हम मूव करते हैं, आज के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, तो आइए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट। ये आपके पास पहला सवाल है, ठीक है, ये हमारे पीडीएफ से पांचवा सवाल है, लेकिन मैंने इसको डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से रीअरेंज कर रखा है, ओके। देखिए, द रेशियो इन विच, हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है वो हिंदी पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी हिंदी की समस्या ऐसे गणित में होती नहीं है, है ना, वो सिर्फ हमारी एक मानसिक समस्या होती है, हमें लगता है कि नहीं भाई, हिंदी वालों को लगता है कि उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, और अंग्रेजी वालों को लगता है यार हिंदी ये मिश्रण ये क्या चीज़ है, यार कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो देखो, वह अनुपात जिसमें कि 20% सांद्रता के मिश्रण को पाने के लिए सांद्रता के दो चीनी मिश्रण 15% चले, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली ईजी, राइट, बेसिक पहला सवाल है तो बड़ा आसान था। 15% और 40% के मिक्सचर को जब मिक्स किया गया तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आया, 20%। तो किसी का माइक ऑन है जरा ऑफ कर लो बेटा। मान लो इसकी क्वांटिटी x है और इसकी क्वांटिटी y है, तो तुमसे x is to y का मान पूछा है ना, टू द रेशियो, किस रेशियो में इसको मिक्स किया गया ये आपसे पूछा गया है, तो x is to y पूछा गया, सिंपल सी बात है। क्या सिखाया हमने, यहाँ सब कुछ दे रखा है, अंतर कितना है बताओ 5 का, यहाँ अंतर कितना है 15 का, हम लोगों ने पढ़ रखा है x upon y कितना हो गया 15/5, आंसर कितना 3:1, एक्सट्रीमली ईजी तो होना चाहिए, लेकिन ये आंसर हमारा कुछ गलत कैसे आएगा ना, 5 क्यों आएगा, यस यू आर राइट, 20 यहाँ पे आएगा बेटा, 15 नहीं आएगा, 20 आएगा, है ना, तो हमारे पास यहाँ पे 20 होगा, तो 4:1 हो जाएगा, ठीक है, 4:1 ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ पहला ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो बड़े आसानी से हम सवालों में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर तुम किसी और तरीके से करते तो सर्टेनली बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता,
लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने एलिगेशन को यूज किया तो बहुत फटाफट हो गया। आओ जरा अगला सवाल देखते हैं, ये तो बहुत बेसिक सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंस 10% वाटर, सिर्फ 10%, क्वालिटी और क्वांटिटी इस पे ध्यान देना है, ठीक है, ये रहा 10%। बाई हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट 40%। अच्छा यहाँ पे कितना पानी और मिलाएंगे, मात्रा पूछी जा रही है आपसे, ठीक है, पानी कितना मिलाएंगे ताकि जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें जो 10% पानी था अब कितना प्रतिशत होना चाहिए, 40% होना चाहिए। तो भैया ये बताओ पानी में पानी कितना होता है, 100% होता है कि नहीं होता है, पानी में तो कोई मिलावट नहीं है ना, ठीक है, पानी में पानी कितना है, 100% है। क्या करोगे, फटाफट एलिगेशन लगाओ ना, मिडिल वैल्यू दे रखी है, मैंने क्या बोला मिडिल वैल्यू दे रखी है, बिना सोचे समझे एलिगेशन लगा देना, कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्या बोलोगे, एक्स अपॉन 40, राइट, एक्स किसके प्रोपोर्शनल, 30 के प्रोपोर्शनल, इधर 40 किसके प्रोपोर्शनल होगा, 60 के प्रोपोर्शनल, खत्म हो गया मामला तुम्हारा, राइट, खत्म हो गया। एक्स बराबर कितना बोलोगे, 20 हो गया क्या, 3/6 × 40, व्हाट इज दैट, 20 लीटर्स। तो बहुत आसानी से बहुत फास्टली विद इन सेकेंड्स आंसर तक निकलते हैं, राइट, फटाफट आंसर तक आप निकलते चले जाते हैं, ठीक है। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद है तुम्हें ये सब आसान लगना शुरू हो चुका होगा, ठीक है। तो एलिगेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिससे कि इस तरह के सवाल बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आगे थोड़े और अभी अच्छे क्वेश्चन हमें मिलेंगे जिसको कि हम लोग अभी देखना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए तो हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जरा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम देख रहे हैं क्या है भाई। A sum of rupees 41 was divided among 50 children. 50 रुपए को जो है 41 रुपए को 50 बच्चों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे दिए जाते हैं और लड़की को 65 पैसे। गलत बात है, अलग अलग दे रहे हैं, बताओ लड़कियों को कम दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम अभी इसमें ज्यादा आइडियोलॉजिकल बातें नहीं करेंगे, हम तो फिलहाल इसकी गणित की बातें जो उसको देख लेते हैं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहे बॉयज, बॉयज को कितने दिए गए, 90 पैसे दिए गए, और गर्ल्स को कितना दिया गया, गर्ल्स को 65 पैसे दिए गए, बहुत बढ़िया। अच्छा ये टोटल कितना दिया गया था, टोटल हमें 41 रुपए थे, 41 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे बेटा, डिवाइडेड इंटू 100 कर देंगे, इतने पैसे हो जाएंगे, 50 बच्चों में विभाजित किया गया तो हम क्यों ना इसको ऐसे डिवाइड कर दें, ठीक है। अच्छा मैंने तुम्हें हमेशा क्या सिखाया होगा कि जब कोई भी 5 से भाग देना होता है 5 से भाग मत दो, क्या करो 2 से गुना कर दो, ज़्यादा आसान होता है। तो कितना आ गया, 820/10 यानी कि 82, यानी पर बच्चा जो एवरेज है वो कितना है, 82 पैसे का है। पर बच्चा जो एवरेज है वो कितने का है बच्चों, 82 पैसे का है। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एलिगेशन लगा देना है, कुछ नहीं करना। देखो एवरेज के क्वेश्चन में भी एलिगेशन लगता है, फटाफट लगता है। अंतर कितना है बेटा, 8 का अंतर है, यहाँ कितना हो गया 62 अगर होता तो 20 का अंतर होता, 62 में 3 कम यानी कि 17 का आंसर हो जाएगा, है ना, 62 में 3 ज्यादा है ना ये, तो 17 का अंतर हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई तो ये हमारे पास 17 का अंतर हो गया, यहाँ 8 का अंतर हो गया। अब ये बोला कि बॉयज इज टू गर्ल, तो हमें पता है कि बॉयज की संख्या अगर बी है और गर्ल्स की संख्या अगर जी है तो बॉयज किस अनुपात में है, बॉयज हमारे पास 17/8 के अनुपात में, ये इनका रेशियो है, ठीक है। अगर ये रेशियो है तो ये 17x 18x लाइक टोटल 50 दे रखा है तो मामला खत्म हो गया यार, दोगुना करो काम खत्म। दोगुना करोगे कितना हो गया, 34, दोगुना करोगे 16, बॉयज गर्ल्स साफ साफ दिखने लग गया। लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज कितने हैं, बॉयज 34 है। बात समझ में आती है, एलिगेशन कितना स्ट्रॉन्ग मेथड हो सकता है एवरेज के सवालों को भी डील करने के लिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए। हर क्लास में हम लोग हमेशा डिसाइड कर लेते हैं कि हम कितने क्लास एक टॉपिक को देंगे, है ना। तो ये वाला टॉपिक मुझे लगता है कि हम लोग 3 क्लास में इसको हम लोग आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। आज पहली क्लास है तो 2 क्लासेस और इसमें हम लोग इसको आसानी से कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। आज पहली क्लास थी, एक और कॉन्सेप्ट अभी रिप्लेसमेंट का रह गया है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यानी कि परसों वाली क्लास में कवर कराऊंगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो है और सवालों का स्तर थोड़ा और हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज मैंने करीब 15 क्वेश्चन इस PDF में रखे हैं, क्लास के बाद ये आपको मिल जाएंगे, आप उन सबको प्रयास कीजिएगा, जहाँ जो डाउट आएगा वो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का भी है, आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, चाहें तो प्रयास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई इस सवाल को हम देख रहे हैं क्या हमारे पास कैसे होगा। अ मैन मिक्सेस 5 किलोलीटर्स ऑफ मिल्क एट ₹600/किलोलीटर विथ 6 किलोलीटर्स ऑफ 500। अच्छा भाई ठीक है, देखो एक तुम्हारे पास 600, हम लोग देखते हैं क्वालिटी क्वांटिटी देखते हैं, हमें पता है सीधा सीधा 600 और ये कितना है भाई 5 किलोलीटर है, ठीक है कोई बात नहीं किलोलीटर है। और दूसरा हमारे पास 540 और ये कितना है 6 किलोलीटर है, ठीक है।
क्वांटिटी सेम है, ओके ये हमारे पास क्वांटिटी हो गई है ना, ये प्राइस है राइट, ये आपके पास प्राइस है पर किलोलीटर की, ठीक है ओके। हाउ शुड हाउ मेनी किलोलीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द एवरेज ऑफ मिक्सचर इज बिकम 480। अच्छा हम इसमें कितना पानी मिला दें इस मिश्रण में ताकि जो भी हमारे पास निकल के आया है उसकी कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी, 480 रुपए प्रति किलोलीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, देखो भाई मैं तो इसमें सीधा सीधा ये कहूँगा कि तुम पहले इसमें ये निकालो कि इन दोनों के मिश्रण से जो तुम्हारे पास जो चीज़ निकल के आएगी उसकी कीमत कितनी है, ठीक है। इसमें क्या मैं एलिगेशन लगाऊंगा, मैं तो नहीं लगाऊंगा, मैं इसमें स्ट्रेट इसको करना पसंद करूंगा, ठीक है। देखो स्ट्रेट कैसे करेंगे, तो ये आ गया मेरे पास 3000, ठीक है 3000 आ गया, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, गुना कर दिया सीधा सीधा, एलिगेशन क्यों लगाएं, एलिगेशन लंबा पड़ सकता है, जब मिडिल वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा भाई ये कितना हो गया, 2 से हमने गुना किया तो 2 से हो गया 108, है ना, और 108 को 3 से करेंगे तो 324, ठीक है, तो ये 324, 3240 कितने बटे 11 किलोलीटर। तो हमने जरा देखा भाई कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 6240 बटे 11, कितने से गया, 5 से गया है, 5 से गया तो हो गया 74 का हो गया 6, है ना, 6, ये पूरा राउंड फिगर नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, जितना भी जा रहा है उतना रखेंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया हो। यहाँ पे 3000 हो गया, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 3000 और 240 ये भी सही लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, 6240 बिल्कुल सही है। जनरली इस तरह केस में आप देखेंगे चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, बट यहाँ नहीं हो रही तो चलो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये कीमत कितनी आ गई देखा जाए ज़रा, ये हमारे पास जो कीमत आ गई ये आ गई 560 है, 5 से गया तो 55, 55 से गया तो 70 से 74, 74 का 66 है ना, 74 से 66 तो हो गया 80, 80 गया तो फिर से 7 और 3/11, देख लो भाई 567 और 3/11 ये हमारे पास कीमत आ रही है प्रति लीटर, ठीक है 567 एंड 3/11। आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी रख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब समझने की बात ये है कि ये हमारे पास जो है टोटल कीमत है ना, तुम चाहो तो इसको नहीं भी निकालते, मैं तो ये बोलूंगा मत ही निकालो, ठीक है। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे पास टोटल कीमत कितनी है इसकी, 6240 है, ध्यान से सुनना, कीमत कितनी है 6240 है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है 11, ठीक है। इसमें तुम कितना पानी मिलाओगे ताकि इसकी जो कीमत हो जाए वो कितनी हो जाए, 480 हो जाए, बस खत्म हो गया मामला, राइट। आप सीधा सीधा कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। यहाँ तो मैं कहूँगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो ना यार, राइट। अच्छा ये चीज़ क्या अभी 12 से भी जाएगी क्या, हारे 12 से भी जा रही है, 12 4 48 और ये 12 5 60 और 24 यानी कि 2 12 2 9, अरे वाह ये तो 13 से भी चला गया यार, कमाल ही हो गया, 13 से भी चला गया, तो 13 = 11 प्लस एक्स आ गया। देखो सवाल में ना हमेशा ऐसी क्वांटिटी का प्रयोग होता है, ऐसे नंबर्स का प्रयोग होता है, मैंने हमेशा कहा एग्जाम के सवाल में ना एक खूबसूरत नंबर्स का प्रयोग होता है जिसमें कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपको दिख ज़्यादा सकता है लेकिन होता ज़्यादा नहीं है, है ना। यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि ये वाला जो हमने किया इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, राइट, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला है कि भाई ये मिक्सचर कितने का होगा, है ना, इसमें ये मिक्सचर जो आएगा उसकी कीमत कितनी होगी, उन्होंने बोला पानी कितना मिलाएंगे, तो हमने भाई पानी मिलाएंगे तो पानी की कीमत कितनी होती, 0 रुपीज़ जो कीमत थी वो कीमत रही, 6240 कीमत रही, 11 लीटर ये था और पानी हमने x लीटर मान लिया, तो टोटल बटे 11 प्लस x बराबर जो भी है, तो x कितना निकल के आ गया 2 लीटर, इसका आंसर हमारा कितना हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन। जल्दी से एक सवाल और करते हैं, आइए एक सवाल और किया जाए और उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। x डिनोमिनेटर में क्यों किया, अरे भाई x डिनोमिनेटर में क्यों किया, देखो x डिनोमिनेटर में क्यों किया, तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास 11 लीटर तो ये है ही है ना, 11 लीटर तो तुम्हारे पास टोटल जो दूध है दो प्रकार का वो ही है, 5 और 6 11 किलोलीटर, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपने पानी और मिलाना है तो टोटल कीमत 6240 है, पानी मिलाओगे तो पानी कीमत कितना लोगे, 0 ही लोगे ना, बिस्किट थोड़ी ना मिलाओगे यार, ठीक है। तो 11 प्लस एक्स टोटल मिक्सचर हो गया बराबर 480 इन्होंने दे रखा है, तो भाग देना पड़ेगा ना टोटल कीमत बटे कितनी क्वांटिटी, तभी तो पर लीटर कीमत निकालिएगा आप लोग, ठीक है ओके गुड। तो चलो ये फाइल मैं चेंज करता हूँ, आपके पास क्लास ओवर होने वाली है ना, दोबारा लॉग इन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये फाइल आपको दूंगा, इसको आप बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे, राइट, अच्छे सवाल हैं, बाइलिंगुअल हैं, तो आप इनको प्रयास करेंगे, जहाँ जो दिक्कत आएगी उसको अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक।